उन्होंने अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का उद्घाटन करने के लिए अटल जी को बुलाया तो अटल जी मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा कॉलेज है ये मैंने कहा ये जो का कॉलेज है <laughs> अब अटल जी खड़े हुए बोलने भाइयों और बहनों कहते हुए हिचकिचा रहा हूँ तो मेरे कान खड़े हुए अगला सेंटेंस उन्होंने कहा आपके छात्र संघ के महामंत्री कह रहे थे ये भेंजीओं का कॉलेज है वाजपेयी जी के साथ भी आप काफी आपका उत्तर जी के साथ भी मुझे बहुत समय बहुत समय आ, पहली बार कब मिले आप उनसे जब हम कॉलेज में थे तो रंजन भट्टाचार्य ये मेरे दोस्त थे और रंजन भट्टाचार्य की उसमें गुन्नू से दोस्ती चल रही थी अफेयर जिसको कहते हैं कॉलेज के समाने में तो हम कभी-कभी रंजन और मैं रंजन भी एसआरसीसी में, में थे अच्छा और गुन्नू और गुन्नू दौलत कॉलेज में थी अच्छा वो लेडीज कॉलेज और वो लेडीज कॉलेज हाँ। था उस उस समय एक बात बता है थोड़ी मेरे लिए एम्बेसिंग लेकिन गुन्नू दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बनी और मैं डूसू में जनरल सेक्रेटरी था और मेरी गुन्नू की अच्छी दोस्ती थी बहुत प्यार बहुत ही दोस्ती थी तो गुन्नू ने आ, अपने कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का उद्घाटन करने के लिए अटल जी को बुलाया विदेश मंत्री थे जिद की ये आ गए और उसको प्रोजाइड ओवर करने के लिए मुझे बुलाया अच्छा तो जब मंच पर बैठे थे गुन्नू कुछ भाषण दे रही थी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे तो अटल जी मेरे बगल में बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा कॉलेज है ये मैंने कहा बहन का कॉलेज है एक्चुअली मेरे टाइम में भी हम लोग यही कहते तो थे तो सभी यही कहते थे कहने के मतलब मैंने कहा देखिए कुछ हैप कॉलेज होते हैं जैसे एल एस आर मिरांडा हाउस वो कुछ ये बेन जू के कॉलेज हैं जानकी देवी दौलत राम ये <laughs> अच्छा फिर उनके पहले मैंने भाषण दिया तो मैंने ये कहा कि विदेश मंत्री आए हैं हम इनको बताना चाहते कि हमारे यहाँ जो हुनर है टैलेंट है उसके लिए जगह नहीं है हमारे इंजीनियर है। जब ट्रेंड होते हैं जब डॉक्टर ट्रेंड होते हैं बाहर जाके नौकरी ढूंढनी पड़ती है हम क्यों नहीं ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करते हैं तो उसके बाद अपना लड़कियों ने तालियां बजाई अच्छा भाषण हो गया मैं बैठा अब अटल जी खड़े हुए बोलने भाइयों और बहनों कहते हुए हिचकिचा रहा हूं मेरे कान खड़े हुए हैं अगला सेंटेंस उन्होंने कहा आपके छात्र संघ के महामंत्री कह रहे थे ये बेहन का कॉलेज है ओ माय गॉड ये तो मतलब आपके लाइफ में ये प्रधानमंत्री होना ही है, हो है। <laughs> और इतना लड़कियां चिल्लाई नो 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 कहते मेरा इंप्रेशन ऐसा नहीं है अच्छा हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि महामंत्री जी कह रहे थे कि हमारे इंजीनियर बाहर जा रहे हैं हमारे डॉक्टर बाहर जा रहे हैं मैं इनसे कहना चाहता हूँ चिंता ना करें कुछ लोग इस देश को भरने के काम में लगे हुए और वो लड़कियों का कॉलेज वहां मेरी बहुत सारी दोस्त थी और एक लड़की तो खास जिससे मेरी दोस्ती थी वो उसी कॉलेज में थी अब मुझे लगा इतनी बेजती हो गई और दूसरी बार ये यूनिवर्सिटी कैंपस में तो आ, लेकिन उन्होंने जिस जो समा बांधा और जो उन्होंने दिल जीता अपने भाषण से तो फिर कुछ दिन बाद में मेरे गुंदू से कहा मैं फिर उनको मिलने गया तो उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें कहा था मैंने कहा जो तो आपकी मेरी प्राइवेट बात थी कहते सार्वजनिक मंच पर बात हो रही थी <laughs> <laughs> उन्होंने तो लाइसेंस मिल गया ना? और वो फिर मुझे बाद में देखा कि वो जो भी उनसे पहले बोलता था उसकी खिंचाई होती थी तो अगली बार वो फिर आए हमने स्वामी विवेकानंद वेवे, के स्टैचू लगाई थी उसका उद्घाटन करने के लिए तो मैं मेरे से अब पहले मैंने कहा विजय गोगल तुम बोलो मैं बाद में बोलूँगा इनके <laughs> तो विजय गोगल ने अपना कुछ भाषण दिया था तो कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के लिए विदेश मंत्री को बुलाया है तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि छात्र संघ के अध्यक्ष मेरे पास आए थे <laughs> मैंने इनसे पूछा भाई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करना है तो किसी साधु को बुलाओ किसी संत को बुलाओ विदेश मंत्री को क्यों बुलाते हो तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद की ख्याति विदेश में ज्यादा हुई थी इसलिए विदेश मंत्री को बुलाना देखिए कैसे तार जोड़े तो लोग हंसते थे मजाक उड़ाते थे लेकिन हा? वो गजब के स्पीकर फुल के। के। एपिसोड